वेक अप एवरीबॉडी, iOS 12 का पब्लिक बेटा रिलीज हो चुका है और आज इस वीडियो में हम लोग इसके फीचर्स पर एक नज़र डालेंगे, बट हमारा मेन फोकस ये नहीं होगा क्योंकि अब तक हम सबको इसके फीचर्स के बारे में पता चल चुका है। हमारा मेन फोकस ये होगा कि हमें ये देखना है कि ये iOS 12 iOS 11 से कितना बेटर है। बेटर तो है, हमें ये पता है, बट कितना बेटर है ये हमें देखना है। और क्या हमें ये अपडेट अपनी डेली ड्राइवर में इंस्टॉल करना चाहिए, क्या ये बहुत बगी होगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, या फिर हमें बीटा 2 का या तो ऑफिशियल अपडेट का वेट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इसकी अपडेट आखिर करना कैसे है। तो अगर आप पहले से ही एप्पल के पब्लिक बीटा टेस्टर हो तो ये iOS 12 का बीटा अपडेट आपके आईफोन में डायरेक्टली नहीं आएगा। उसके लिए आपको सेटिंग में जाकर आपका पुराना बीटा प्रोफाइल रिमूव करना पड़ेगा, फिर वेबसाइट में जाकर जो कि beta.apple.com है उस वेबसाइट में जाकर आपको नया प्रोफाइल डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि iOS 12 का आपको मिलेगा। बट अगर आप न्यू यूज़र हो और आप पब्लिक बीटा टेस्टर बनना चाहते हो तो आप सिंपली beta.apple.com वेबसाइट में जाओ, वहां जाकर साइन अप करो और अपने डिवाइस में iOS 12 एनरोल कर लो और सेटिंग में आओ सॉफ्टवेयर अपडेट में, वहां पर आपको अपडेट दिख जाएगा iOS 12 का, उसे डाउनलोड करके सिंपली इंस्टॉल कर लो। इस पब्लिक बीटा का डाउनलोडिंग साइज़ आईफोन SE में 2.2 GB है, बट हर आईफोन में इसका डाउनलोडिंग साइज़ सेम नहीं है। iOS 12 के पब्लिक बीटा को इंस्टॉल करने के बाद अवेलेबल स्टोरेज में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है। ये अपडेट इंस्टॉल करने से पहले मेरे पास थे 7.19 GB और इस पब्लिक बीटा को इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास है 6.87 GB। वेल, अवेलेबल स्टोरेज में इफेक्ट तो पड़ा है, बट आई एम थैंकफुल टू एप्पल कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, कुछ मेगाबाइट्स ही गए हैं। तो अब iOS 12 के फीचर्स के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि कितना ये iOS 12 बेटर है iOS 11 से। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हमें पता है कि ये iOS 12 11 से बेटर है, बट कितना बेटर है ये देखना है। तो आप देख सकते हो कि कितना स्मूथ हो गया ये iPhone SE। मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा था अपडेट करने के बाद कि ये पुराना फ़ोन है, मैं इसे महीनों से यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे अभी नया फ़ोन लाया है, अभी अनबॉक्स करके मैं यूज़ कर रहा हूँ। एकदम फ्रेश फील हो रहा है, जैसे कि एप्पल ने कहा था कि अब ये आपके डिवाइस को 40% फास्टर कर देगा, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। ऐप्स खुल रहे हैं बहुत स्पीड से पहले के मुकाबले। हाँ, अब ज़्यादा फास्ट लग रहा है फ़ोन यूज़ करने में। कुछ एनिमेशन के भी चेंजेस है, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, बहुत ही माइनर चेंजेस है, बट चेंज किए गए हैं। आप एक हाथ में iOS 11 और एक हाथ में iOS 12 के डिवाइस रखोगे तब कंपेयर करोगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ एनिमेशन भी चेंजेस हैं। परफॉर्मेंस तो आप देख सकते हो, बहुत ही उमदा परफॉर्मेंस है, 40% सही में फास्टर है, हर ऐप्स तेज़ी से खुल रहे हैं और कोई तो क्रैश कर ही नहीं रहा है। तो हाँ यार, iOS 12 iOS 11 से परफॉर्मेंस के मुकाबले में बहुत बहुत बेटर है। फीचर्स की बात करें तो iOS 12 में बहुत सारे फीचर्स नहीं आए, सारे बड़े बड़े फीचर्स iOS 13 के लिए एप्पल ने बचा के रखे हैं, बट काम के फीचर्स हैं iOS 12 में। लाइक ये सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर आप देख सकते हो, ये ऑटोमेटिक अपडेट, इसे ऑन करने से जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट आपके आईफोन में आएगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, लाइक आपका जैसा ऐप अपडेट होता है। अब आते हैं स्क्रीन टाइम में, ये तो मुझे कमाल की चीज़ लगी गाइस। ये आपको दिखाया कि आप अपने आईफोन को दिन भर में कितना यूज़ करते हो, आप किस ऐप को कितना यूज़ कर रहे हो दिन भर में, आप उस ऐप के लिए लिमिट्स भी लगा सकते हो। अब आते हैं वॉलपेपर में, तो आपको यहाँ पर वॉलपेपर में iOS 9 का वॉलपेपर नहीं मिलेगा। जी हाँ, एप्पल ने iOS 9 का वॉलपेपर को हटा दिया है। iOS 10 का है, 11 का है और 12 का भी सिर्फ एक ही वॉलपेपर ऐड हुआ है। अब आते हैं सीरी की तरफ, तो यहाँ पर आपको सीरी में एक नया फीचर मिलता है, वो है शॉर्टकट्स। आप अपने मन मुताबिक शॉर्टकट्स सीरी में ऐड कर पाओगे। वेल, जैसे कि रूमर्स आ रहे थे कि बहुत एडवांस हो जाएगी सीरी, इस बार एप्पल ने नहीं किया, मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ एप्पल से इस बार। मे बी iOS 13 में सी वैसे ही हो जाए जैसे रूमर्स आ रहे थे, बट यहाँ पर कुछ एसेंट्स आए हैं, न्यू एडिशन साउथ अफ्रीकन, तो ये दो चीज़ सीरी में नहीं ऐड हुई है। वेल, बैटरी का यहाँ पर कोई इशू नहीं है इस पब्लिक बीटा को इंस्टॉल करने के बाद, जैसा कि iOS 11 के बीटा 1 में था। जब iOS 11 का बीटा 1 आया था तो बहुत ही बैटरी के इशूज़ हो रहे थे, वैसा कुछ भी इस बार नहीं है। तो अगर आप इस iOS 12 के पब्लिक बीटा को अपने डेली ड्राइवर में इंस्टॉल करोगे तो आपको बैटरी का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और यहाँ पर बैटरी के अंदर आपको और डिटेल से पता चलेगा कि कौन सा ऐप आपका कितना बैटरी खा रहा है। एप्पल हर अपडेट के साथ AR का लेवल बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर अगर आप इस पब्लिक बीटा को इंस्टॉल करोगे तो ये मेजर AR मेजर ऐप आपको प्री इंस्टॉल मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि ये हेल्प करेगा आपको लाइव किसी भी चीज़ को मेजर करने में। ये आपका कैमरा ऑन कर देता है, फिर आप AR के थ्रू किसी भी चीज़ को मेजर कर पाओगे और ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। कोई भी तरह का यहाँ पर आपको कुछ फेक नहीं लगेगा कि नहीं ये तो खेलने की चीज़ हो गई, ये पूरा परफेक्ट काम कर रहा है। और ये लेवल जो कॉम्पास में था iOS 11 में, जो कि हर बार से कॉम्पास ही में था, वो मेजर में ऐड हो गया है। और वॉइस, जो वॉइस रिकॉर्डिंग का ऐप है वॉइस मेमोज, उसका पूरा न्यू इंटरफेस है। अब अगर आप कुछ वॉइस मेमोज बना के गलती से डिलीट हो जाएगा तो वो
परमानेंटली डिलीट नहीं होगा लाइक फ़ोटोज़ की तरह, वो भी रिसेंटली डिलीट आपका रिसाइकिल बिन जिसे बोलते हैं वहाँ चले जाएगा, आप वहाँ से इसे रिकवर कर सकते हो और डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हो। बग्स की बात करें तो यार बग्स तो कुछ ही नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि iOS 11.4 में जो बग्स थे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक बग था, ये बग भी रिमूव हो चुका है और कोई नया बग ऐड नहीं हुआ है। थैंक्स टू एप्पल फॉर डूइंग दिस। डेवलपर बीटा में कुछ बग्स थे, कुछ ऐप्स क्रैश कर रहे थे, बट पब्लिक बीटा में ऐसी कोई बात नहीं है और वो बग जो मैंने अभी आपको दिखाया वो यहाँ इस iOS 12 में भी काम नहीं कर रहा है। एक और बहुत ही माइनर फीचर है जो मैंने बहुत गौर से देखा तब मुझे पता चला, आई मैसेज के कीबोर्ड के ऊपर ये डॉक हुआ करता था, अब ये कीबोर्ड के साथ अटैच्ड हो गया है जो कि बहुत ही कूल लग रहा है देखने में। तो एप्पल ने इसे iOS 12 के साथ चेंज किया है। वेल ये भी एक और चीज़ फीचर जो अब iOS 12 में ऐड हो चुकी है। वेल तो अब जाओ आप इस पब्लिक बीटा को आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा कोई भी बग आपको नहीं मिला है स्टूडियो में, सही में कोई भी तरीके का बग या फिर कोई इशू नहीं है इस पब्लिक बीटा में। डेवलपर बीटा में था, कुछ ऐप्स क्रैश हो रहे थे, बट वो डेवलपर बीटा की बात है। पब्लिक बीटा में ये डेवलपर बीटा 2 वाला हाल है, कोई आपको बग नहीं मिलेगा। तो आप इसे इजीली अपने डेली ड्राइवर में इंस्टॉल कर सकते हो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी गाइस तो गो एंड स्मैश द लाइक बटन एंड कमेंट करो अगर कुछ पूछना है, फिर कुछ सजेस्ट करना हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब द प्रैक्टिकली मैजिन एंड प्रेस द बेल आइकन बिफोर यू लीव। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, पीस।